धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के गांव उमरी में एक फोटो स्टूडियो के मालिक पर अज्ञात हमलावरों ने डंडों से हमला कर गोलियां चला दी। हमले में फोटो स्टूडियो मालिक महेंद्र को गोली तो नहीं लगी, लेकिन डंडों के हमले से वह घायल हो गया। गोली चलने की आवाज से पूरे गांव में दहशत फैल गई और अज्ञात हमलावर गोलियां चलाकर फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे में ये घटना कैद हो गई। मौके पर एसएफएल टीम ने पहुंचकर नमूने एकत्रित किए, वहीं पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है। बता दें, गांव उमरी निवासी फोटो स्टूडियो के मालिक महेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि तीन लोग अचानक उसकी दुकान में घुस आए और उस पर डंडे बिंडों से हमला कर दिया और फायर किए। गनीमत रही कि गोलियां महेंद्र को लगने की बजाय काउंटर में जा लगी। तुरंत बाद ही मास्क लगाए तीनों हमलावर मौके से फरार हो गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। महेंद्र ने बताया कि उसके साथ किसी की कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही वे जानते हैं कि हमलावर कौन थे। मैं दुकान में पड़ा था काम करके, ना मेरे नाड़ में दर्द, तुम पड़ गया थोड़ी देर, 5:30 की बात है। तीन बंदे आए, मास्क मुंह पर नकाब ढक रखा था, आंधे उन्होंने तो लठ मारे, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, कुछ नहीं। तो कोई उन्होंने दो फायरिंग करी, अंदर करी एक दुकान में करी, एक वहां से जिंदा कैप्सूल मिला गोली बगैर चली। कोई पता कौन थे जिन मास्क मुंह पर, मेरी तो किसी का खुंद रखा ही नहीं, उनके पता नहीं हो कोई, मैं कुछ कह नहीं जानता नहीं yeah. ना मैं कोई ना गोली लगी, मेरे काउंटर में गोली लग गई। तो okay, हाँ मौके पहुंच गई पुलिस, मैं कार्रवाई होनी चाहिए जब मेरा तो। वहीं थाना सदर पिपली SHO मलकीत ने बताया कि जिला पुलिस द्वारा साइबर जागरूकता अभियान चलाया हुआ था। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि गांव उमरी में एक फोटो स्टूडियो मालिक पर गोली चलाई गई है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि फोटो स्टूडियो के मालिक महेंद्र को डंडों से पीटा गया है। हमलावरों द्वारा गोली भी चलाई गई है, लेकिन महेंद्र को गोली नहीं लगी। महेंद्र को मेडिकल जाँच के लिए LNJP अस्पताल भेज दिया गया है। मामले में जैसे ही शिकायत आती है मामला दर्ज कर लिया जाएगा। पुलिस टीम मामले में गहनता से जांच कर रही है। हम पूरा स्टाफ जो उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार साइबर जागरूकता दिवस मना रहा था, जिसके तहत जगह जगह पर शिविर वगैरह लगाए जा रहे थे और लोगों को जागरूक किया जा रहा था। इसी दौरान कंट्रोल रूम से इन्फॉर्मेशन आई कि उमरी गांव में एक फ़ोटोग्राफ़र की दुकान है जिसपे महेंद्र नाम का फोटोग्राफ़र है, उस पर हमला किया गया है, हवाई फायर हुआ है और उसकी टांगों पर डंडे वगैरह से हमला किया है। तो मौके पर मैं अपनी टीम के साथ पहुँचा और DSP साहब, CIAs और सही अपना सीन ऑफ क्राइम टीम वगैरह मौके पहुंची है और उसका मेडिकल के लिए उसको भेज दिया गया। अभी कंप्लेंट नहीं आई है, कंप्लेंट आते ही FIR दर्ज करेंगे और जो सस्पेक्ट हैं उनकी तलाश जारी है। CCTV कैमरा वगैरह देखा जा रहा है, क्राइम टीम्स भी इस छानबीन में लगी। कितने लोग होंगे कुल जो हमलावर थे? जो उन्होंने अभी शुरुआती बताया है कि उसका अंदाजा यह है, तीन लोग थे जो वो दुकान पे लेटा हुआ था, एकदम से दुकान के अंदर आए। बाकी आगे तफ्तीश में क्या निकल के आता है। गोली की से कोई इंजर्ड तो नहीं हुआ? नहीं, कोई इंजर्ड। कितनी फायर की उन्होंने? एक फायर जो उसके अनुसार है, एक फायर है, बाकी आगे तफ्तीश में क्या आता है।